अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। भाई क्या हुआ, एक सेक्शन ऐड हुआ है स्पेस फिजिक्स के नाम का लेवल्स में। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट। आज हम लोग स्पेस फिजिक्स को बहुत करीब से देखेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि दो तीन क्लासेस में, वीडियोस में इसको फिर फिनिश करें। अच्छा जी भाई, स्पेस फिजिक्स डेफिनेटली नाम से ही पता चलता है हम स्पेस के बारे में कुछ पढ़ रहे होंगे। बात बिल्कुल यहाँ से शुरू करते हैं कि भाई बेसिक नॉलेज जो हम फाइव क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई अर्थ जो है ऑर्बिट करती है सन के अराउंड। हमारी अर्थ को अप्रोक्सीमेटली 365 दिन लगते हैं, 365 डेज टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। वैसे एक्चुअली 365 डेज नहीं लगते, द एक्चुअल टाइम फ्रेम इज 365 डेज 6 आवर्स एंड 9 मिनट्स, अगर टू बी वेरी एग्जैक्ट। ये वो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट इसी वजह से होता है, ये बहस नहीं है आज की। अच्छा, एक बात आज जो यहाँ से बात को शुरू करेंगे कि भाई ऑर्बिट जो है अर्थ का, बेसिकली वो सर्कुलर नहीं होता, इट्स एलिप्टिकल। सर हम तो समझ रहे थे भाई अर्थ का ऑर्बिट सर्कुलर है, सर्कल में घूमती है। बिल्कुल बेटा ऐसा ही समझा जाता है और हम कैलकुलेशंस में भी इसी को ही यूज करते हैं, बट एक्चुअली द अर्थ ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर, इट्स एलिप्टिकल। एलिप्टिकल क्या होता है, इन वेरी इजी वर्ड्स, एलिप्टिकल बेटा परफेक्ट सर्किल नहीं होता। परफेक्ट सर्किल में सेंटर से सारे डिस्टेंसेस रेडियाए होते हैं, बट एज यू कैन सी एलिप्टिकल में कुछ रीजन जो है फर्दर फार बहुत दूर होता है और कुछ रीजन थोड़ा करीब होता है रिलेटिवली। दिस फिनोमेना इज नोन एज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अगर सर्द के इर्द गिर्द कोई चीज़ यूँ करके ऑर्बिट कर रही है तो देर आर सम टाइम्स जो वो सन के करीब होगी एंड देर आर सम टाइम्स जो वो सन से थोड़ी सी क्या होगी, दूर होगी। सो बेसिकली जो अर्थ का ऑर्बिट है ना, इट्स वेरी स्लाइटली एलिप्टिकल। इसलिए हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए वी ऑलवेज टेक इट एज सर्किल और हम उसको सर्किल कंसीडर करके कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करते हैं। अगर सर्कुलर ऑर्बिट होता ना बेटा तो सारे डिस्टेंसेस सेंटर से क्या होते, बराबर होते, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। अर्थ समवट कुछ रीजन में थोड़ी सी दूर है सन से और कुछ रीजन में थोड़ी सी करीब है सन के मुकाबले। अच्छा, ऑर्बिटल स्पीड अगर हम बात करें सन अर्थ की, तो एवरेज स्पीड जो होती है किसी भी ऑर्बिट की वो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड कहलाती है। एक एवरेज स्पीड एक कंप्लीट ऑर्बिट करने में इज बेसिकली नोन एज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द बॉडी। हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर हम उसी को इस्तेमाल करें और सर अर्थ के ऑर्बिट को सर्कुलर कंसीडर करें, तो अगर मैं एक सर्किल की बात करूं तो सर्किल का जो डिस्टेंस होगा वो हम किससे निकाल सकते हैं, 2πr से। सो डिस्टेंस की जगह मैं क्या इनपुट कर देता हूं, 2πr, जस्ट बिकॉज कि हम लोग अर्थ के ऑर्बिट को क्या कंसीडर करते हैं, सर्कुलर, और उसको टाइम ऑफ ऑर्बिट से अगर मैं डिवाइड करा दूँ तो मेरे पास एवरेज स्पीड ऑफ द ऑर्बिट आ जाएगी। बट याद रखना बेटर, देर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द ऑर्बिटल स्पीड, बिकॉज अर्थ का डिस्टेंस जो है सन से थोड़ा थोड़ा चेंज होता है बिकॉज ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है एलिप्स का, ये हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जोनस कैपलर, ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने दिया था। और एलिप्स को इन्होंने डिफाइंड किया था दो पॉइंट से जिनको हम दो फोकस कहते हैं, और द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू पॉइंट इज नोन एज द फोकाई। हमारे पास जो एलिप्स है ना, ये इन दो पॉइंट से डिफाइन होता है, टुगेदर नोन एज द फोकाई। और हमारे पास इन दो पॉइंट से कहीं से भी अगर मैं डिस्टेंस लूँ, ये हमेशा एक कांस्टेंट देता है। अगर मैं यहाँ से ये दो डिस्टेंस लूँ तब भी ये सेम आएगा, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, बराबर आएगा। याद रखिएगा बेटा, ये भी हमारी बहस नहीं है, इट्स जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। एलिप्टिकल की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एलिप्टिकल होना डिपेंड करता है कि उसकी एसेंट्रिसिटी पे, सॉरी यार थोड़ी प्रोनाउंसिएशन का इशू। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये बताती है कि एक जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है वो कितना फ्लैट है। अगर किसी चीज की एसेंट्रिसिटी जीरो है दैट मींस वो परफेक्ट सर्किल में होगा, और अगर किसी चीज की एसेंट्रिसिटी बिल्कुल वन है वो बिल्कुल क्या होगा, एक फ्लैट लाइन में होगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होगा। डेफिनेटली अगर मैं इस ओवल को कंसीडर करूँ तो ये एक ज़्यादा एसेंट्रिक ओवल है, देयरफॉर इसकी जो हमारे पास जिसे कहते हैं एलिप्स है, मोर एलिप्टिकल।
अगर इस तरफ आते जाऊँ तो मेरे पास लेस एलिप्टिकल होता जा रहा है, बिकॉज इसकी जो एसेंट्रिसिटी है वो रिलेटिवली क्या है, कम है। अच्छा, थोड़ा सा चीज़ों को और देखते हैं। ये जो चीज़ हमारे पास होती है, दिस ऑर्बिट, दिस एक्सिस इज बेसिकली नोन एज द मेजर एक्सिस, और ये हमारे पास माइनर एक्सिस कहलाता है फ्रॉम द सेंटर। लॉन्गेस्ट एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं और स्मॉलेस्ट एक्सिस को हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं। इस बात को अगर हम फिजिकली समझें तो मैं इसको समझाना चाहूँगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर बच्चों मेरी इस नॉलेज को देखिएगा, मैं कहता हूँ ये हमारे पास सन है और ये हमारा प्लैनेट है। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अर्थ, ठीक है। अगर अर्थ हमारे पास इस तरीके से घूम रहा है, लुक्स लाइक कि हम लोग जो हैं एक जैसे कहते हैं सर्कुलर है, बट ऐसा नहीं है। दिस रीजन जहाँ पे हमारे पास पेरिहेलियन रीजन है और एपहेलियन रीजन है, पेरिहेलियन रीजन जो होता है, दिस इज द क्लोजर रीजन रिलेटिवली एपहेलियन के मुकाबले में। आई एम नॉट रॉन्ग जी, नहीं सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। पेरिहेलियन रीजन जो होता है वो करीब होता है और एपहेलियन रीजन जो होता है रिलेटिवली दूर होता है। अगर मैं अर्थ के ऑर्बिट की बात करूं और मैं इसकी सेंट्रिसिटी थोड़ी सी बढ़ाता हूं, लेट्स सपोज मैं इसको 0.5 पे लेके आता हूं, ये अर्थ तो नहीं रहेगी बट समझने के लिए अगर मैं इसको 0.5 पे लेके आऊं तो आप खुद देख सकते हैं इट्स लिटिल ओवल आपको सामने नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवल हो गया। अगर मैं सेंट्रिक को बिल्कुल 99 कर देता हूं, ठीक है, तो अब आप खुद देखो भाई कि कितना फ्लैट हो गया 0.99 पे। 1 पे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। इस चीज़ को समझना मेरी बात को, देखो मैं इसको समझाने के लिए इसको क्या करता हूँ, 0.7 लेता हूँ ताकि इमेज क्लियरली एक्सप्लेन हो जाए। अच्छा जी, देखिए अब इस प्लैनेट को, ब्लू वाले प्लैनेट को अगर हम कंसीडर करें तो ये जब लेफ्ट साइड पे है तो इसकी स्पीड कम है, और जैसे ये पेरिहेलियन रीजन में आता है बिकॉज ऑफ सन ग्रेविटी इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है व्हेन इट्स क्लोज टू द सन। तो ये जो मैंने ऊपर बात की कि एवरेज स्पीड चेंज होती है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। बट हम जब अर्थ की बात करते हैं तो ये इतनी कम माइनर डिफरेंस है क्योंकि सेंट्रिसिटी जो है जस्ट 0.017, तो इस वजह से हम इसको सर्कुलर कंसिडर करते हैं एट योर लेवल, बट एलिप्टिकल ऑर्बिट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, ये तो जहाँ तक बात रही बेसिक समझ की, अब हम बात करते हैं कि भाई अर्थ जो है इट्स नॉट एक्चुअली स्ट्रेट, इट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज, और अर्थ का ऑर्बिट कुछ इस तरीके से हमारे पास वो रोटेट करती है, और एट एन एंगल ऑफ 23.5 ये सन के इर्द गिर्द क्या करती है, पूरी की पूरी ऑर्बिट रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। डेफिनेटली भाई अगर हम इस बात को समझें तो हमारे पास दो बातें आती, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोल्स्टिस एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विनॉक्स। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं कि भाई हमारे पास सन से अर्थ दूर है, ठीक है, हमारे पास एट दिस पॉइंट अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो हमारे पास विंटर का टाइम फ्रेम होता है, और हमारे पास जो सन है उससे हमारी जो ये वाली साइड है, जो हमारा ये वाला हेमिस्फीयर है, इट्स बेसिकली फार अवे फ्रॉम द सन, तो हमारे पास इस रीजन में फॉर द टाइम बीइंग विंटर्स आ रहे होते हैं, और ये विंटर्स हमारे पास चलते हैं टिल मार्च, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग, और हमारे पास ये विंटर्स मार्च के बाद देन बिकम्स टू स्प्रिंग, और फिर हमारे पास जून से सेप्टेम्बर में देयर इज अ समर, और उस टाइम पर हमारे पास ये वाला रीजन जो होता है ये डायरेक्टली सन को फेस कर रहा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास समर्स आ रहे होते हैं। सो बेसिकली थ्रू आउट द ईयर हमारे पास इस तरीके से ये पूरा का पूरा रोटेशन चल रहा होता है, एंड हमारे पास विंटर्स समर्स और इस तरीके से स्प्रिंग ऑटम सीजन्स चेंज हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ पॉइंट फेस किस तरफ कर रही है सन को। अच्छा भाई, बात ये आती है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है भाई सबसे पहले सोल्स्टिस, समझते हैं मेरी बात को भाई। सोल्स्टिस दो होते हैं, एक हमारे पास विंटर सोल्स्टिस होता है और दूसरा हमारे पास समर सोल्स्टिस होता है।
विंटर सोल्स्टिस हमारे पास और समर सोल्स्टिस में क्या फ़र्क है, पहले उसको समझने के लिए सोल्स्टिस को समझते हैं। बेसिकली सोल्स्टिस इज वन डे ऑफ द ईयर विद मोस्ट डे लाइट, वन डे ऑफ द ईयर विद द लीस्ट डे लाइट। मैक्सिमम दिन, लंबे दिन और लंबी रातों का जो कॉन्सेप्ट है, भाई बड़े बूढ़े बोलते आ रहे हैं, आज साल का सबसे बड़ा दिन है, सबसे लंबा दिन है, और आज साल का सबसे छोटा दिन है या सबसे लंबी रात है, तो दैट्स बेसिकली सोल्स्टिस। होता क्या है सोल्स्टिस में बेटा, हमारे पास जो समर सोल्स्टिस होता है उसमें हमारे पास जो दिन होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और रातें रिलेटिवली दे आर वेरी शॉर्टर, ठीक है। और हमारे पास सन जो होता है वो हमारे पास राइज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इट्स एंगल इज इंक्लिनेशन इज मोर, उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा होता है समर्स में। खुद देखें अगर इस इमेज में, तो हमारे पास सन का जो इंक्लिनेशन का एंगल है वो इस केस सिनेरियो में ये एंगल ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिसंबर में सनराइज के एंगल से, ठीक है जी। हमारे पास जो सन है वो इस पॉइंट पे नॉर्थ ईस्ट से राइज करता है एंड इट सेट्स एट नॉर्थ वेस्ट। सन हमेशा ईस्ट से राइज करता है, वेस्ट पे सेट करता है, ये बात हकीकत नहीं है, बट एक्चुअली आई थिंक इज दैट के व्हेन इट समर्स वो नॉर्थ ईस्ट से राइज करेगा एंड इट विल सेट एट नॉर्थ वेस्ट। अच्छा जी, विंटर सोल्स्टिस की बात करें तो हमारे पास विंटर सोल्स्टिस में जो है हमारे पास दिन छोटे होते हैं, रातें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। सन की जो राइज होती है बेटा उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिलेटिवली कम होता है, आप खुद देख सकते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज रिलेटिवली लेस, और हमारे पास सन जो है अभी भी ईस्ट से राइज करता है बट एक्चुअली फ्रॉम द साउथ ईस्ट एंड इट सेट्स एट द साउथ वेस्ट। अब ये तो बात हो गई सर्दियों और गर्मियों की, बट देर आर दिस अ पॉइंट ऑफ द ईयर जब हमारे पास दिन और रात बिल्कुल इक्वल होते हैं, लाइक डे टाइम एंड नाइट टाइम इज वेरी इक्वल, डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। इस पॉइंट पे सन जो है हमारे पास प्योर ईस्ट से राइज करके प्योर वेस्ट पे सेट कर रहा होता है। दिस इज बेसिकली ऑन 20th ऑफ मार्च टू बी एग्जैक्ट एंड 23rd ऑफ सितंबर, इट इज अ सीजन ऑफ स्प्रिंग इश एंड ऑटमिश, तो ये वो डेज होते हैं जहाँ पे हमारे पास दिन और रातों की जो लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल होती है। और अगर हम सोल्स्टिस की बात करें तो 21st और 22nd ऑफ दिसंबर इज अ डे जिसमें हमारे पास रात जो है लॉन्गेस्ट नाइट होती है एंड द डे इज शॉर्टेस्ट। और अगर हम बेटा समर सोल्स्टिस की बात करें तो 21st ऑफ जून हमारे पास इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर और इसमें रात सबसे छोटी होती है, जिसको आखिर मगरिब जल्दी हो जाती है, मगरिब बहुत लेट होती है, सॉरी कि भाई दिन बहुत लंबा है रात बहुत छोटी हो गई, सो दैट्स ऑल अबाउट दैट। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड अगर हम इस बात को थोड़ा सा और करीब से देखें तो हमारे पास जो मून का ऑर्बिट है दैट्स अबाउट 27 डेज, जो कि एक महीना काउंट होता है। मून वन मंथ लेता है हमारे पास पूरी अर्थ को रिवॉल्व करने में, सो द ऑर्बिट ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली अबाउट वन मंथ, दैट इज टू बी एग्जैक्ट इज 27 डेज, ठीक है। अच्छा जी, मून ऑर्बिट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस एट द सेम स्पीड एज रोटेशन ऑफ द अर्थ, देयरफॉर ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल ऑन द नाइट। कॉमन सेंस की बात है भाई, हमारे पास मून उसी ऑर्बिट से रिवॉल्व करता है जिससे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो हमें सिर्फ एक साइड नज़र आती है मून की, द सेकेंड साइड इज नॉट फेसिंग द अर्थ। ये हमारे पास कुछ बेसिक नॉलेज हो गई, दिस इज द वेरी बेसिक नॉलेज अबाउट बेसिक स्पेस फिजिक्स। इससे फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।